नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीत। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने जब भारत के लिए खेलना शुरू किया था तो कई खिताब जीते थे। सानिया मिर्जा को देश की बेटियों ने रोल मॉडल की तरह देखना शुरू किया, कईयों ने प्रेरणा लेकर खेल की दुनिया में कदम भी रखा। कहने का मतलब ये है कि सानिया मिर्जा को पूरा देश भर ने सराहा था, उनकी प्रशंसा की गई। लेकिन सानिया मिर्जा तब विवाद में आ गई जब उन्होंने साल 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर ली। आपको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान का रिश्ता शुरू से ही बेहद अच्छा नहीं रहा और इनमें विवाद होना लाजमी था। सोशल मीडिया पर सानिया मिर्जा को ट्रोल किया जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि क्या सानिया को भारत में कोई क्रिकेटर नहीं मिला जो उसने पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी कर ली। खैर, सानिया ने शादी तो कर ली लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तानी नागरिकता नहीं ली और समय के साथ विवाद भी कम होता चला गया। लेकिन अब शादी के 13 साल बाद एक बार फिर से सानिया मिर्जा की चर्चा चल रही है। तब 2010 में शादी होने पर विवाद हुआ था और अब शादी टूटने के बाद विवाद हुआ है। आपको पता है कि अभी हाल ही में सानिया मिर्जा की शादी टूटी है और शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली। अब सानिया की शादी टूटने के बाद हिमंता बिश्व शर्मा का एक ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें सानिया मिर्जा और उनके बेटे इजान की तस्वीर शेयर करके लिखा गया है, सानिया मिर्जा और उसके पाकिस्तानी बच्चे को किसी कीमत पर हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं देंगे, किसी की बेवकूफियों के नतीजे हिंदुस्तान नहीं झेलेगा। जैसे ही बिस्वा का ये ट्वीट वायरल हुआ तो लोगों ने बिस्वा को जमकर खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। एक यूजर ने लिखा, सीमा हैदर के बारे में आपकी क्या राय है, सीमा हैदर भी चार पाकिस्तानी बच्चे लेकर भारत आई है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, हाँ जैसे पाकिस्तान से एक लड़की अपने बच्चे को लेकर आ गई थी, उसे भी नागरिकता नहीं देनी चाहिए, कैसे कैसे बेवकूफ भरे हैं दुनिया में, सानिया मिर्जा देश की नागरिक थी और रहेगी। अंशिका नाम की यूजर ने लिखा, सानिया मिर्जा के पास भारत की नागरिकता है, तुम क्या दोगे, और दूसरी बात वो तलाक लेना या देना उसका निजी मामला है। पता नहीं क्यों लोगों को दूसरों की जिंदगी में दखल देने की आदत होती है। एक और यूजर ने लिखा, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, कम से कम उसी का लिहाज कर लेते। एक और यूजर ने लिखा, बिल्कुल इनको वापस पाकिस्तान भेजा जाए, यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है। एक यूजर ने गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, नए कागज मांगो, भारत धर्मशाला नहीं है। एक दूसरे ने कमेंट किया, ये तो होना ही था, पर अपने देश की बेटी है, घर पर ही रहेगी। तो इस तरह से हिमंता बिश्वा के ट्वीट पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जिस ट्विटर अकाउंट को लोग हिमंता बिश्वा शर्मा का अकाउंट समझकर कमेंट्स कर रहे हैं, दरअसल वो एक फेक अकाउंट है। लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि ये असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा का ट्विटर अकाउंट है और उन्होंने सानिया मिर्जा को लेकर इस तरह का ट्वीट कर दिया जो कि बिल्कुल गलत है। आप जब इस फेक अकाउंट को देखेंगे तो उस पर लिखा है हिमंता बिश्वा शर्मा सटायर, जबकि हिमंता बिश्वा शर्मा के असली अकाउंट को देखेंगे तो उस पर सिर्फ उनका नाम लिखा हुआ है और फॉलोअर्स भी 2 मिलियन से ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस अकाउंट से सानिया मिर्जा और उनके बेटे को लेकर विवादित ट्वीट किया गया वो फेक अकाउंट है जिसका मकसद माहौल खराब करना है। वैसे आप इस ट्वीट को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।